बॉलीवुड की एक और अच्छी थ्रिलर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है चेहरे। ये मूवी अभी हाल ही में अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई है। वैसे ये मूवी थिएटर रिलीज़ 15 अगस्त वाले वीक में हो गई थी, लेकिन पेंडेमिक फेस के चलते इस मूवी को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और वैसे भी ये मूवी पूरा 1.5 साल लेट रिलीज़ है, तब भी इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। चलिए पहले इस मूवी की मेकिंग पे बात करते हैं। इस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़कर इमरान हाशमी ने यह मूवी करने से मना कर दिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन हैं तो उनके साथ काम करने का मौका वो गंवाना नहीं चाहते थे। इस मूवी के निर्माताओं ने पहले इस मूवी के लिए आयुष्मान खुराना को फाइनल किया था, लेकिन फिर उन्होंने इमरान हाशमी को लिया। ऐसा क्यों किया गया, गॉड नोज। मूवी को डायरेक्ट किया है रूमी जाफरी ने, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई थ्रिलर मूवी बनाई है। इससे पहले इन्होंने गॉड टू सी ग्रेट हो और गली गली चोर हैं जैसी कॉमेडी मूवीज डायरेक्ट की थी। मूवी में मेन लीड रोल में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी हैं। इनके अलावा अन्नू कपूर, रघुवीर यादव, सिद्धार्थ कपूर, रिया चक्रवर्ती और क्रिस्टल डिसूजा का काम भी बहुत बढ़िया है। मूवी की स्टोरी और प्लॉट एकदम फ्रेश है। आप ये नहीं कह सकते कि मूवी को कहीं से कॉपी किया गया है। हाँ, ये मूवी थोड़ी सी इंस्पायर ज़रूर है एक कोरियन थ्रिलर मूवी से, जिसका नाम है माय यार्ड। मूवी का अंत होने पर हमें बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल ब्लैंक रह जाती हैं। मूवी की स्टोरी कुछ यूं है कि एक तूफ़ानी शाम में इमरान हाशमी अपनी गाड़ी में तेज़ी से किसी पहाड़ी इलाके से निकलकर दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है। अब ये कौन सी जगह है, मनाली, हिमाचल में कोई भी जगह, ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया है। बीच रास्ते में एक पेड़ के गिरे होने की वजह से एक घर में जाने को इनवाइट किया जाता है उन्हें, जहां कुछ बूढ़े लोग, एक जवान मेड और एक गूंगा आदमी रहता है। फिर रात होने पे ये सब एक खेल खेलते हैं कि एक कोर्ट रूम का पूरा प्लॉट बनाया जाएगा, जिसमें एक मुजरिम की सज़ा का केस चलेगा और उसे सज़ा होगी या नहीं ये डिपेंड करता है उसके ओपोनेंट लॉयर पे और उसके बचाव पक्ष के वकील पे। मूवी की स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला 1.5 घंटा तो आप ये मूवी बिल्कुल छोड़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन एंड में थोड़ा निराश हर कोई होगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करूँगा, वरना आपका ये मूवी देखने का थ्रिल ख़त्म हो जाएगा। वैसे अगर आप इन दिनों कोई मूवी देखना चाहते हैं तो उसमें ये एक बढ़िया ऑप्शन है। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। गुड बाय, थैंक यू।